होता है कि जो हम खाना बताते हैं ना, वो रमज़ान हो गैर रमज़ान हो सब एक ही रहता है। अब हम मील मिसाल के तौर पर 14 मील्स बताते हैं हम लोगों को खाने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सैम्पल मेन्यू किस तरीके का मील बनता है। ये मैं रमज़ान की बात नहीं कर रहा हूँ, गैर रमज़ान रमज़ान सब जगह एक ही प्रोग्राम है, क्योंकि बॉडी आपकी वही रहती है। अच्छा, जो अच्छी चीज़ करनी है आपको वो 12 महीने करनी है, वो ठीक है, रमज़ान में सिर्फ नहीं करनी। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है हम फास्टिंग करते हैं, ये सब हमारी सोच है, इसमें कोई हमारी कमज़ोरी नहीं हो रही होती है। वैसे में 16 आवर की फास्टिंग बताते हैं ना हम लोग, वो हमारे लिए अच्छी चीज़ है। ये हमारी गलतफहमी है, वो हमारी अपनी प्रॉब्लम या हमारा जिस तरीके का पैटर्न है वो है, बाकी वो चीज़ें खैर की हैं। अच्छा, मैं आपको सैम्पल मेन्यू बताता हूँ कि 14 खाने हफ्ते में, रोज़ाना 2 खाने, ठीक है। अब उसको हम बता देख लेते हैं कैसे हम क्या करेंगे। बेस मील देखिए, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम बनाएंगे, किसी का डायबिटीज़ नहीं है तो एक आम आदमी के लिए बता सकते हैं कि आम आदमी को मैं एक मिसाल दे सकता हूँ कि हम लोग जो खा रहे हैं ना रोटी चावल बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो उसका कुछ नहीं कर सकते तो आप आधा कर दिए रोटी चावल का, ये ईजी हो जाता है समझने के लिए। तो मिसाल के तौर कोई कह रहा है कि मेरा वज़न बढ़ रहा है, कोई कह रहा है मेरी शुगर बढ़ रही है, कोई कह रहा है मेरी इन्फ्लामेशन बढ़ रही है, कोई मेरी ब्लड प्रेशर है, तो आपको क्या करना है, उन लोगों को जो कुछ खा रहे हैं उसका बस आधा शुरुआत में ऐसा करें, आधा रोटी आधा चावल ये कर दें, और तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको भी आधा कर दें या और हो सकता है कम कर दें एक बार। अच्छा, अब एक तो ये हो गया इन लोगों के लिए, बाकी जो आपका सालन है, गोश्त है, जो कुछ खा रहे हैं वही खाते रहें, वही रूटीन खाने, लेकिन 2 टाइम खाना आप खाएँ। लेकिन एक भाई है जिसको डायबिटीज़ है, ठीक है, उसके लिए क्या प्रोग्राम बनेगा, ये मैंने आपको थोड़ा सा आपके ऊपर हल्का हाथ रख रहा हूँ इसलिए मैंने आपको बताया, लेकिन मैं सबके लिए अच्छा है इसमें, खैर सबके लिए ये है कि जैसे मैंने आपको अभी खाना दिखाया ना अपना, कि हम रोटी चावल को मिनिमम कर दें, ये हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं नहीं जितना हमने समझ लिया। अच्छा, अब डायबिटीज़ वाले पेशेंट मेरे पास आया, मैं उसको बताता हूँ 14 खाने में कैसे बनाएंगे। सैलड ले आओ। अच्छा, सलाद का मतलब बहुत एक्सपेंसिव मैं आइटम नहीं बताना चाह रहा हूँ आपको, लोग बेचारे सोचने लगते हैं कि सलाद का तसव्वुर मालदार लोगों से हो गया है, सलाद सब्जी को कहते हैं, ठीक है ना, और सब्जी को आप चॉप कर लें उसका तो सलाद बन गई, उसमें हम थोड़ा सा नींबू मिला दें और हो गई, उसको थोड़ा सा और क्रंचीनेस लानी है, थोड़ा सा सेसमी सीड डाल लें या आप सनफ्लावर सीड्स डाल लें, कि उसमें अगर देखें खाली सलाद अगर हम खाएंगे तो थोड़ी देर बाद भूख लगेगी, लेकिन अगर उसको चू करने वाली कोई चीज़ हो तो हमारा एक सैटेलाइट सेंटर है ना बॉडी में, वो एक्टिवेट ब्रेन में होता है जिसको कहता है कि हाँ भाई तुमने कुछ खाना खाया, उन्हें लगते नहीं कुछ खाना खाए। अच्छा, दूसरी कुछ फैट उसके अंदर हो तो फैट से एक हार्मोन होता है लैप्टिन, लैप्टिन सिगरेट होता है, लैप्टिन है कि भाई यू आर डन, आपने खाना खा लिया कुछ मिला आपको, उसका ऑपोजिट है इंसुलिन, इंसुलिन जब भी रिलीज होता है वो आपको कहता है और खाओ और खाओ और खाओ। तो जब भी हम फैट की कोई चीज़ लेते हैं तो हमारी बॉडी में ये लैप्टिन निकलता है और हम कम खाना है, देर तक हम चल जाएंगे, हमें भूख ही नहीं लगेगी। एक वजह ये भी होती है कि हम खाने में अच्छी फैट नहीं है हमारे, तो हमें ज़्यादा भूख लगती है। आप सुबह वाले मील में जो आप खाते हैं उसमें थोड़ा सा फैट इंट्रोड्यूस कर दें, अच्छी किस्म का फैट, कोई जैसे बटर है या घी है इस तरह की, या अंडा है या और भी कोई फैट हो सकता है, तो आपको बहुत देर तक आपको भूख ही नहीं लगेगी, ये उसका एक फ़ायदा है। अच्छा, तो अब ये सैलड ली, उसके अंदर कुछ वॉलनट्स वगैरह मिला लें, छोटा गैटअप अच्छा हो जाए, देखने में भी अच्छी हो जाएगी, जायके में अच्छी, लेकिन अभी भी कंप्लीट खाना नहीं। उसके अंदर क्या करें, देखिए अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो उसको मैं बताता हूँ, हफ्ते में 2 बार मछली खाएं, हाँ। अच्छा, गर्मी में भी तो इस रीजन में तो सारे गर्मियाँ कोई वो ही नहीं है, 12 महीने गर्मी मछली खा जाती है यहाँ पर। बल्कि देखिए एक मज़ेदार बात यह है कि मछलियों में भी तासीर है अलग अलग, उसकी मैं आपको लिस्ट भी दूंगा इंशाल्लाह। कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जिनका मिजाज गर्म है, कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जिसका मिजाज बारिद है, ठंडा है, जी हाँ, तो वो मैं आपको पूरी लिस्ट भी दे दूंगा इंशाल्लाह वो आपके। तो बहरहाल, तो आप इसमें से कोई भी खाना इसको स्किप करना चाहे कर सकते हैं, सैम्पल मेन्यू, ठीक है। अब ये जो हफ्ते में 1-2 बार मछली हो गई, ये सैलड का बोल है, बोल में सैलड लेनी है आपको, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा दस्तरखान ज़रूर बिछाएं, सुन्नत है, लेकिन इतना सारा खाना रखना सामने सुन्नत नहीं। एक बोल, उसमें आपने मछली के जो फिले आते हैं ना बोनलेस या स्टेक्स रख सकते हैं, बड़ा पीस अच्छा रखे आप, ये आपने 1-2 बार रख लिया। आपके गोश्त कोई पसंद है 2-3 बार ही गोश्त रख लीजिए, ठीक है। 5 मील हो गए आपके, 5 बार अंडे खाएं, 1 से 2-3 अंडे
डिपेंड करेगा वज़न कितना है या प्रायोरिटीज़ क्या है। किसी का वज़न कम होता है तो उसको थोड़ा ज़्यादा की ज़रूरत होती है, किसी ज़्यादा होता है उसको कम करने की ज़रूरत होती है। तो दो अंडे चल जाते हैं आमतौर से, जर्दी के साथ खाएँ, जर्दी फ़ायदे की चीज़ है। अंडा नुकसान करता है, उसको हम फ्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्राई करेंगे खूब सारा पका लेते हैं उसको हम लोग, और फिर उसके अंदर जो तेल इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे में कौन से, तो उसकी वजह से नुकसान हो जाता है। अंडा बजाते खुद एक नियामत है। अच्छा, तो फिर आपने ये 5 बार अंडे खा लिए आपने, अंडे को उबाइल करके उसके ऊपर डाल लें, तो ये खाना देखने में आपको हल्का लग रहा होगा लेकिन बहुत ही न्यूट्रिशियस खाना है, न्यूट्रिएंट रिच खाना है। आपकी बॉडी खुश हो जाएगी, आपको भूख भी नहीं लगेगी। तो कि एक वजह और है भूख लगने की, मैंने एक तो बताया हम कार्बोहाइड्रेट की साइकिल करते हैं तो इंसुलिन निकलती है हमें, फिर भूख लगती है, हाइपोग्लाइसेमिया होता है। एक वजह ये भी होती है हम अपने आप को, अपनी बॉडी को सही न्यूट्रिशन नहीं गज़ा दे रहे हैं। जब पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता तो बॉडी प्रोड्यूस करती है हंगर को, बॉडी भूख को प्रोड्यूस करती है, क्यों, उसको चाहिए न्यूट्रिशन, हम खा नहीं रहे हैं तो बॉडी ये सोचती है कि मैं इसको भूख लगाती हूँ ताकि ये हो सकता है कि अब ये कायदे के खाने खा लें इस बार, तो वो हो नहीं रहा होता तो भूख लग रही होती, एक साइकिल बनी होती है। लेकिन एक बार में हम अच्छा खाना दे रहे हैं, कम है लेकिन न्यूट्रिशियस खाना है ना, तो उसमें क्या होता है कि अब मिसाल के तौर आपने खूब सारी वेजिटेबल्स ले ली, सब्जियाँ, उसको चॉप वॉप कर ली, अब इसके अंदर कितने विटामिन एंड मिनरल्स पहुँच गए, तो आपके बॉडी की जो डिमांड है न्यूट्रिशन की वो मिल रही है ना, तो बिला वजह में भूख प्रोड्यूस नहीं होगी। अब फिर थोड़ा सा आपने फैट उसके अंदर मिला लिया, अब ये जो उसके साथ कभी मछली रख रहे हैं, कभी गोश्त रख रहे हैं, कभी अंडे रख रहे हैं, कभी कुछ नहीं, इनमें से कुछ चीज़ें, तो मिसाल के तौर जो वेजिटेरियन लोग हैं तो उनके लिए वो बीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीन्स के लिए शर्त यह है कि 5-6 घंटे भीगी हुई हो रात को, दूसरे वेल बॉइल्ड हो, अच्छी तरह से पकी हुई हो। कच्ची बीन्स से पर गैस बनती है, बहुत से लोग बीन्स को छोड़ देते हैं खाना, तो अच्छी तरह से अगर पकी हुई नहीं होगी तो, लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको मल्टीपल वैरायटी ऑफ बीन्स खानी पड़ेगी टू गेट द होल चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स की चेन होती है वो एक बीन से नहीं मिलेगी, उनको मल्टीपल खानी पड़ेंगे, दालें इस तरह की चीज़ खा सकते हैं, तो बहरहाल पनीर खा सकते हैं। तो ये अपना खाने का अगर साथ में है तो इस तरह से आपके 13 खाने हो गए, यानी 2 खाने फिश, 3 कोई मीट, 5 अंडे और 3 बार बीन्स खा लें आप, ठीक है। और जो वेजिटेरियन उनको बीन्स ज़्यादा खानी पड़ेंगी। तो अब एक मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ, एक खाना फ्री रख दीजिए आप इन्जॉय करिए, बजाय बिस्मिल्लाह खाली पढ़ने बिस्मिल्लाह यदर मैं शाहिन फिलहाल से बोला समी पढ़ के। तो बहरहाल चीट, वैसे तो देखिए खाने जो ख़राब चीज़ें हैं वो कभी भी सही नहीं है, लेकिन होता है ना इंसान धीरे धीरे चेंज होता है, तो इसलिए थोड़ी सी गुंजाइश रखनी पड़ती है, वरना मुश्किल हो जाता है प्रोग्राम करना। ये नंबर एक बात तो ये रमज़ान के हवाले से नहीं, आम हवाले से है, ठीक है ना। आम देखिए हमें वैसे भी ऐसे 2 मील खाने चाहिए, अब वो टाइमिंग आपकी किसी की अलग हो सकती है, कोई 12 बजे से 8 बजे तक खा लें, एक 12 बजे एक वक्त, कोई सुबह खा लें जिनको नाश्ते की आदत होती है सुबह खा लें खाना, और शाम को एक मगरिब के टाइम पे खाना खा लें, तो बेसिकली ये तो वो रमज़ान वाली टाइम होगी, तकरीबन 1 घंटे पहले आप सूर कर लें। तो ये खाने सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं, ये हर किसी के लिए हैं और हर वक्त के लिए हैं, और सिर्फ डायबिटीज़ वाले के लिए नहीं, ये हर किसी के लिए।